सबसे पहले हम आस्तीन आस्तीन पे सिलाई मार देते हैं। हमारा आस्तीन कंप्लीट हो गया। ये हमारा पैकेट है और दूसरा ये फ्रंट पल्ला है। सबसे पहले हम एक किनारी का सिलाई मारेंगे और याद रखें कि कभी भी आप सफारी बनाइए तो डबल धागा से बनाइए, नहीं तो ट्यूज धागा आती है वो धागा से बनाइए तो फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। किनारी का सिलाई पहले हम इसको मार लेते हैं। ऊपर से 9 इंच का मार्क लगा लेते हैं पैकेट के लिए। यहाँ पे थोड़ा हल्का टाका मार दीजिए, फिर उसका सबसे पहले यहाँ पे किनारी का सिलाई मारना था, मारना भूल गया मैं। इसको उठाएंगे और इसी यहाँ से किनारी का सिलाई मारते हैं।
फ्रंट हो गया, बैक पल्ला बनाएंगे, फिर उसके बाद बॉडी को अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हम एक किनारे का सिलाई मारेंगे बैक पे। हमारा बैक पल्ला हो गया। ये मैं जो चटका मारा हूँ, ये दोनों चटका चटके के ऊपर चटका आएगा और इसमें त्रिपाई हो जाएगी, इसमें भी त्रिपाई हो जाएगी। इसको मिला के शोल्डर को बैठा के देख लेंगे, शोल्डर बढ़ रहा है तो नहीं। बैक पल्ला को उल्टा में बैठाएंगे, फ्रंट पल्ला को सीधा में बैठाएंगे। जीरा को इस तरह बैठा देंगे। ऊपर से किनारी का सिलाई मार देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा फुल कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी बजाना ना भूलें।